के किसी के अब्बा किसी के अम्मी किसी के रिश्तेदार जो वहाँ दफन है उनके लिए दुआ करें जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्ला वी तौर पर बकी कब्रस्तान में गए और वहाँ पर जाकर जो लोग वहाँ दफन है उनके लिए उन्होंने दुआ की और फिर फरमाया इनकी उमिर तुम अनअे हुक्म दिया गया कि मैं उनके लिए दुआ करूँ तो अल्लाह के रसूल ने बकी वालों के लिए दुआ की उहद वालों के लिए दुआ की हम सब भी जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए कब्रिस्तान में और हमारे लिए मौत की याद है और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं बहुत से लोग कहते हैं दुआ तो यहां से भी कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं आप कोई हर्ज नहीं आप यहां से भी दुआ कर सकते हैं कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान में जाएगा तो वहां के जो हालात हैं कब्र को देख कर वहां पर जो ईमान बढ़ता है और वहां पर जब किसी रिश्तेदार की कब्र पर कोई जाता है तो एक एहसास दिल में आता है और फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करे तो वो दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है अल्लाह के रसूल को देखा गया कि नबी ने हाथ उठा करके भी अल्लाह से दुआ की तो हाथ उठा करके भी हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हाँ हमारा रुख किबले की तरफ होगा क्योंकि किबला रुख होकर जो दुआ की जाती है वो मुस्ताब होती है उसकी कबूलियत के और इमकान होते हैं ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें